फटती बहन की तुम्हारे बीच में आने के लिए। साले आदिवासी ऑफिस में आ रहा है और वहाँ मंडप है आदिवासी लड़कों का और वहाँ नहीं उतर रहा, फट रही क्या? इन्हीं के भरोसे तो तेरी औकात थी बहन की, तो बोल के उनको हराएंगे बोल के। ये इशू पे जो आमदार नहीं बोलेगा उसको अपनी सीट छोड़ना ही पड़ेगा। साले तू देवेंद्र फडणवीस का हो जा या समाज का हो जा, दो में से एक। ये लाइन तुमने लाएंगे नहीं तो तुमको कोई डरेगा नहीं। आई गेस स्टूडेंट मूवमेंट है तुम्हारा सुनने वाला, प्रैक्टिकल रहो। मैं ये संगठन का वो संगठन का, आप बोला कौन सा संगठन का है भोसड़ी के? तुम्हारा इशू सॉल्व करके बताओ बोलना हमारा, तुम्हारा संगठन क्या? साले सब ले लेता मैं, पैर धोते हैं हम उनके। ये कितना क्रिटिकल इशू है, स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, हॉस्टल बंद कर देंगे तुम्हारे। आज जो ग्रामीण के लड़के पढ़ रहे हैं ना बेचारे, इनकी किस्मत में खत्म हो जाएगी वो चीज। जब ये सिस्टम तुम्हारा कोलैप्स कर देंगे तब तुम लोग क्या करोगे, किधर जाओगे तुम? ये बहुत सीरियस इशू है। डीपीटी इज नॉट जो, ये आखिरी अटैक है तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ पर। इसका तुमने मोनोग्राम ही नहीं देखा क्या क्या चाहते हैं वो लोग? इतनी जीत में क्यों अड़ी है सरकार? तुमने मांगे थे क्या डीपीटी? तुमने डीपीटी मांगे थे क्या? दे दिए तुमको उन्होंने, जो चीज मांगे वो नहीं मिलती, फालतू चीज दे रहे हैं लोग। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर गिरा है उस पर गहराई से बात करो, दोनों साइड से ना। और ये लड़ाई लड़ने के लिए तुमको हर आमदार के घर पे और उसके एरिया में गोलबंदी करो। मैंने गढ़चिरौली के दोनों आमदार को पटाखे लगा दिया अभी, एक वो तुम्हारा होली और दूसरा क्या नाम है उसका, आनंद राव मेरे हुसैंडी अमरीश राव के एरिया में जो मिनिस्टर है वो भी गिरेगा, 200% गिरेगा। आरएसएस को ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों से बगावत करके, आदिवासियों के खिलाफ में करके आदिवासियों के बीच में लाएंगे। फिर तुम्हारा समाज का मतलब क्या हो गया? तुम्हारी ताकत ही नहीं कुछ, कोई तुम्हारा बोलने वाला नहीं, कोई वाली नहीं। साले आरक्षण का मोर्चा होता है तो विद्यार्थी लड़ते हैं, बोगस आदिवासी का मोर्चा होता है तो विद्यार्थी लड़ते हैं, कर्मचारियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो विद्यार्थी लड़ते हैं, ये बच्चों पे अत्याचार होता है तो विद्यार्थी लड़ते हैं। आज विद्यार्थियों पे अत्याचार हो रहा तो कौन आ रहा? साले ढोंग करते हैं कर्मचारी संघ यानी ये संघ और वो संघ, साले किसको बता दे? ढोंग दतूरे नहीं होना, ईमानदारी से वो समाज के इशू पे आओ। अपने तुमको परीक्षा करने की ये सबसे अच्छा मौका मिला है, कौन तुम्हारे साथ में है समझो, मूवमेंट की जरूरत क्यों है ये समझो। कोई नेता वेता कुछ नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूँ, मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, क्योंकि ये आरएसएस का डिसीजन है। वो जान गए कि आदिवासी समाज चल रहा है विद्यार्थियों के भरोसे, और जब तक कि ये विद्यार्थी रहेंगे हॉस्टल्स में एक दूसरे को मिलते रहेंगे इनकी चढ़वर चलते रहेगी। आदिवासी समाज विद्यार्थियों के कंधे पे चल रहा है, इस समाज में जो भी चढ़वल होती है विद्यार्थियों के माध्यम से होती है और उसको विद्यार्थी को ही तोड़ना है। ये अटैक विद्यार्थी पे है, ये शहर के मोटी चमड़ी के साले लोग हैं ये लोग, इनके बच्चों को जरूरत नहीं है, जरूरत तुम लोगों को है। तुम्हारे माँ बाप की कंडीशन ठीक नहीं थी करके तुम यहाँ पर आए, तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा होता तो तुम काहे को आते? तो ये लोग इनके फेवर में नहीं है, समाज दो टुकड़े में बट गया है, बेईमान हो गया है वो तुम्हारा अधिकारी कर्मचारी वगैरह। और ये सब गोंडवाना ये गांडूगिरी बंद करो। मैं ये संगठन को विकास परिषद का हूँ तो मैं इसका हूँ तो प्रधान वाला हूँ, तो ये सब बंद, ईमानदारी से समाज के लिए। अब तो भी समाज की ताकत की तरफ देखो, पलट के देखो, कौन सा नेता चिल्ला रहा है कोई स्टेटमेंट पढ़े? हमने डीबीटी के लिए नासिक में इतना बड़ा मोर्चा निकाला, पूरा नासिक बंद जैसे हालत कर दिए थे हम लोगों ने, आप लाइव देखो उसका, पूरे कमिश्नर्स बैठे थे तो भी नहीं मान रहे हो, क्या किया जाए? बंदूक उठाएंगे तुम? वैसी बंदूक तुम्हारे समाज की 16 साल की लड़की उठाती है, मर रही है, मार रहे हैं साल, कोई संशोधन करने तैयार नहीं है उस पर, कोई रिसर्च करने तैयार नहीं है कि वो लड़की आखिर बंदूक क्यों उठाई है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। तुम लावारिस हो गए, सच्चाई है।
और ये चीज़ काम नहीं आएंगी बेटा। ये मेरा काका है, मेरा मामा है, मेरे जात का है, तो मेरे घर का है, मेरा रिश्तेदार है, ये बंद। जो तुम्हारी सोच का नहीं, सगा भाई भी तुम्हारा नहीं हो सकता। ईमानदारी से इस मिशन को समझो, वैचारिक आंदोलन की तरफ आ जाओ। ये शॉर्टकट मत ढूंढो, पीला झंडा लगाए तो गोंडवाना साथ में, काय का गोंडवाना, कौन सी पार्टी है बे? वो पूछो बड़ा गोंडवाना के जितने लड़ रहे हैं उनको पूछो डीबीटी क्या है। ये समाज का इशू नहीं है क्या? सबसे सेंसिटिव इशू है बे, पढ़ाई है तो लड़ाई है, पढ़ाई नहीं रहेंगी तो लड़ाई कहां से रहेंगी? ये सिस्टमेटिकली तुम्हारे सिस्टम को कोलैप्स करने का षड्यंत्र है। और ये कोलैप्स करने की जो रणनीति है वो आरएसएस के लोगों ने बनाई है, और आरएसएस तुमको कोलैप्स करना चाहता है। तुमको सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुम्हारे लोग नहीं बोल रहे। कितने आमदार ने बोले? पूरे गांडू आमदार है। एक आमदार इस पर बात नहीं करना चाहता, उसके घर जाके तुमको चढ़ाई करना पड़ेगा, पूरे समाज में बताना पड़ेगा ये आमदार ने साइन किया तुम्हारे बाल बच्चों की जिंदगी के साथ सौदा किया। पॉम्पलेट निकालो, यही मौका है, कोलैप्स कर दो। इससे अच्छा मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। धो डालो, पूरे समाज को बताओ ये आमदार ने ये काम किया है डीबीटी में। लड़के बता, काले गवर्नमेंट के सूर में सूर लगा रहा है, विद्यार्थियों का क्या है? तेरे को चिताया किसने बे? मेलघाट का आमदार लो, बाकी 6-7 आमदार है। आईटी गिर गई तो खत्म हो जाती बीजेपी। बीजेपी के 6 सीट कम होंगी तो 6 सीट ये गई और 6 बढ़ गई, यानी 12 सीट का डिफरेंस होता। बीजेपी यही इलेक्शन हार जाएगी महाराष्ट्र में। तो जो गवर्नमेंट को गिराने की ताकत रखता है स्टूडेंट फोरम, अगर वो गिराने की ताकत बना लिया तो उससे कोई टकराएगा क्या? गिरवानी चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार करने की ताकत खड़ी करो। है कोई आमदार नहीं, आमदार गांडू है भाई। बांधवानो अपला आमदार गांडू है, तो समाजासाठी लढणार नाही, तो बीजेपीचा नौकर आहे। आणि आरएसएसचा कुत्ता, पोस्टर निकालो, डाल दो साले सब तरफ। अबे ये इतना ही डर था तो फिर समाज कल्याण में क्यों नहीं लागू किया डीबीटी? तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको भेदभाव बोलते हैं। आदिवासी का बच्चा है तो उसको लागू, समाज कल्याण में दलितों को भी नहीं लगा है, क्योंकि उनके कर्मचारी रस्ते पर आ जाते हैं, उनके नेता रस्ते पर आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने आदिवासी मिलता क्या? आदिवासी की बॉडी मिलती क्या? ये सब चीजों को समझो। इतना एग्रेसिव होके इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये एग्रेसिव मैटर है, इसकी डेप्थ जब तक नहीं समझोगे तुम लोग, तुमको लोग इडियट समझेंगे। क्या है, आदिवासी विद्यार्थी कुछ नहीं करते, साले बैठते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, ऐसी हमारी इमेज खड़ी कर दी है, यानी हमारी जो मूवमेंट की इमेज थी उसको डिमोलिश कर दी है, जो वैचारिक इमेज थी उसको डिमोलिश कर दी है। वो वैचारिक इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करो, उसको फिर से बनाओ और एक नई लड़ाई की तरफ अपन चलेंगे, तो कुछ तो भी करेंगे। अभी भंडारा गोंदिया का सब लोगों को, लड़कों को पहले बता के रखो कि सतीश भाऊ आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जात का कैंडिडेट यानी भात का कैंडिडेट और ये कुछ नहीं, हम अपना आंदोलन करेंगे। सिर्फ हमको ये गवर्नमेंट को बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो शो करके बताओ, नहीं कर सकते? अबे तुमने घर घर जाके पैर भी पढ़ लिए ना अपने साथ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत कर, हालत पतली हो जाएंगी इनकी। ये आगे चल के बहुत बड़ी साजिश है हमारे साथ, और इस साजिश को समझे कि बेगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और तुम पूरे कि वो लड़का बोलता है ये संगठन, चल तू कोई भी संगठन करा, चल इशू ले आ सामने, ये पागलपना किसने करा है? और मैं तुमको सीरियसली ले रही आदिवासियों, और आदिवासियों को सीरियस इसलिए नहीं ले रही कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उनके आमदारों को जो बोले वो करते हैं, उनके नेताओं को जो बोले वो करते हैं। ये लोग तुमको जीने नहीं देंगे, ये टाटा के लिए काम करेंगे, ये बाकी लोगों के लिए काम करेंगे। एक आदमी के लिए पूरे आदिवासी विद्यार्थियों का जीवन एक्सपोज कर रहे हैं, अकेले टाटा के लिए पूरे आदिवासी विद्यार्थियों का जीवन ये लोग दांव पे लगा रहे हैं।
ये चाहते हैं। अरे तुम्हारा डीबीटी से केवल पैसे नहीं, तुम्हारा 25% टाइम भी जा रहा है। वो 25% टाइम ला के देंगे क्या तुम्हारा? ये पढ़ाई करने के लिए टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, पढ़ाई में वैल्यूएशन होता है टाइम का, और वो वैल्यूएशन को नहीं समझ पा रहे। खुले डिबेट भी नहीं कर रही गवर्नमेंट तुम्हारे साथ, तुम्हारा मिनिस्टर मुंह छुपा रहा है, तुम्हारा मुख्यमंत्री मुंह छुपा रहा है, बात ही नहीं करना चाहते डीबीटी को। अगर किसी दूसरे समाज का इशू होता तो उसको सीरियसली डील करते, लेकिन ये इतना बड़ा डीबीटी का इशू है, 40,000 आदिवासी बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी लाइफ का सवाल है, 40,000 बच्चों के लाइफ का सवाल है, फिर भी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो क्या मतलब है? अब है कि गवर्नमेंट तुमको डांटती है, गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रही है। ध्यान में रखो इस बात का, आप लोग कॉन्फिडेंस लो, गांव गांव में अपने लोगों को समझाओ, गांव गांव में लड़कों को जोड़ो और तैयारी करो। मीटिंग में मैं अपन गोंदिया भंडारा में तो इनको पूरा मत्ती बलित कर देंगे, इनको बता देंगे आदिवासी किसको बोलते हैं, आदिवासी विद्यार्थी किसको बोलते हैं। दो ही दिन में खत्म कर देते, पूरा इलेक्शन का चेहरा बदल देते और लिख के रखते हैं पूरे बोर्ड में एडीबीटी का जवाब दो, वो इनके लिए इलेक्शन होगा, अपने लिए तो आंदोलन होना चाहिए। उस बुनियाद से भी काम कर सकते हैं हम, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जितने आदिवासी विधायक के आमदार हैं, इनके घर के सामने बैठ के धरना करना पड़ेगा। तुम लोग करो, पार्टी होना कि समाज, बस।